इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट से वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है, जिसका हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है और काशी की गलियों में पोस्टर लगाकर इसके बारे में जानकारी दी। ज्ञानवापी में मस्जिद में स्थित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग का समर्थन किया। बनारस में जगह जगह ऐसे पोस्टर दिखाई दिए। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी का मामला कोर्ट में चल रहा है और गुरुवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की। ब्रह्मानी न्यायालय यह स्वयं तय करे कि वह किस प्रणाली से या का जो है मानुष्य जो शिवलिंग है या उसके परिसर में जो है जो कार्बन डेटिंग उसे कार्बन डेटिंग करे या जो अन्य प्रणाली जाँच उसे वह करे। फिलहाल कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से जांच पर हिंदू पक्ष की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश से हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में वहां सड़क पार करने के दौरान कुछ लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मामूली विवाद में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया गया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। नवी मुंबई में पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में कुछ लोगों पर एक आदमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नमीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा कुत्ते करेंगे, जिन्हें हरियाणा के पंचकुला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। और आईटीबीपी के जवान जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों की एक टीम को अलग अलग जानवरों की खाल और हड्डियों को पहचानना सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जर्मन शेफर्ड नस्ल के इन कुत्तों को कुनो नेशनल पार्क भेज दिया जाएगा, जहां ये उन 8 चीतों को शिकारियों से बचाने का जिम्मा संभालेंगे, जिन्हें 17 सितंबर को वहां छोड़ा गया था। कहीं से भी वो जाएगा, पहुंचा कोई गेट से जाएगा, किसी भी एक्सिस से जाएगा, तो ये डॉग जो है उसको सर्च कर सकते हैं। असल में करीब 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हुई है और सरकार उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए चीतों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उनकी तैनाती के बाद कोई भी तस्कर शिकार करने के मकसद से चीतों के आसपास न भटक पाए।